फ्रेंड्स, मैं जयराम चौहान, चौहान टेक्निकल सेंटर सिंगरौली मध्य प्रदेश से। दोस्तों, मेरे पास आज एक बजाज मजेस्टिक का, देख सकते हैं, ये ICX PL का मॉडल आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम क्या, मैं चला के देख रहा हूँ, नो सेंसिंग का प्रॉब्लम है, फोर्स सेंस नहीं कर रहा है। देखिए, इसमें लाइट आ गया और मैंने यहाँ पोर्ट रखा और यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। यहाँ देखिए 1000 की रीडिंग आ गई, लेकिन ये अभी भी पोर्ट नो सेंसिंग का बजर आ रहा है, बट सेंस नहीं कर रहा। ये बजर जब आता है, जब हम पोर्ट नहीं रखते हैं, तब रखने के बाद ये सेंस जो बजर है ये ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये रखने के बाद भी इसमें कोई सेंसिंग नहीं है, काम नहीं कर रहा। तो इसको देखते हैं स्टेप बाई स्टेप, हम इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद के सारे कनेक्शन को हम रिमूव कर लेते हैं, मेरे नंबर से बनाया है, बाहर निकाल लेते हैं और इसको सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग में लेते हैं। कोल्ड टेस्टिंग हमारा क्या कह रहा, क्योंकि ऑन तो है ये, तो कोल्ड टेस्टिंग तो हमारा मान के चलिए 350 वोल्ट भी बनी रहा होगा। और हम सबसे पहले IGBT को चेक कर लेते हैं कि IGBT हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि सभी सेक्शन काम कर रहा है तभी चल रहा है। तो IGBT को हम यहाँ से चेक करते हैं। देखिए IGBT हमारा, देखिए यहाँ से ये ठीक बता रहा है। ड्रेन टू सोर्स की जो रीडिंग आनी चाहिए 358 आ रही है, और गेट पे ये देखिए, देखो गेट पे जो है ये हमारा कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। तो ये हमारा गेट शॉर्ट है, तो ये IGBT भी शॉर्ट हो सकता है। गेट टू एमीटर या IGBT भी शॉर्ट हो सकता है, और इसके बीच में एक 18 वोल्ट का डायोड लगता है दोस्तों, वो भी शॉर्ट हो सकता है, जीनर डायोड। तो पहले हम IGBT ना निकाल के हम इसके जीनर को निकालते हैं, चिमटी। यहाँ पे एक जीनर होता है लगा हुआ, ये देखिए 18 वोल्ट का यहाँ जीनर है। लाइट दो इधर कहाँ, उधर का लाइट का उधर का रखते हैं। दोस्तों, इसको मैंने रिमूव कर लिया है, और इसको चेक करने के लिए हम एक टांग को सोल्डिंग कर देंगे, नहीं तो ये पार्ट क्या है इधर उधर गायब हो जाते हैं। पार्ट को हमने सोल्डिंग कर दिया, अब हम IGBT को देखते हैं क्या हमारा शॉर्टिंग है। जी दोस्तों, हमारे IGBT पे अब शॉर्टिंग नहीं है, तो हमें 100% पता है कि हमारा ये जो डायोड है वो शॉर्ट है। ये देखिए रीडिंग कोई नहीं आ रही यहाँ पे, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो जेनर डायोड है 18 वोल्ट का वो शॉर्ट है, तो हमारा काम यहीं से हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको अब दूसरे PCB से ले लेता हूँ, हमारा 18 वोल्ट का जेनर यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, ये काफी छोटा है उसकी अपेक्षा। जी दोस्तों, इसका दो जगह पॉइंट बना हुआ था, ये यहाँ पे तो बड़ा वाला लगा हुआ था ये इस साइज का, और यहाँ इसके बगल में ही एक छोटे वाले का साइज बना, तो मैंने यहाँ छोटे वाला निकाल के लगा दिया। अब ये बड़े वाले को हम यहाँ से निकाल रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर रख दिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कंटिन्यूटी दे रहा है। ये हमारा एमीटर हो गया, एमीटर से इसके एनोड पे जुड़ा होना चाहिए, डायोड का जो एनोड है ये देखिए, इसका एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड इसका गेट से जुड़ा हुआ है।
अब इसको हम चेक कर लेते हैं गेट से जुड़ा है कहाँ। जी ये गेट से जुड़ा हुआ और एनोड हमारा एमीटर से जुड़ा होना चाहिए। जी ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट लग गया है। अब हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या हमारा काम यहीं से बन गया या कुछ और आगे चेक करना पड़ेगा। जहाँ तक उम्मीद है यहीं से बन जाना चाहिए। अगर ट्रांजिस्टर नहीं ख़राब हुए तो स्विचिंग वाले कुछ चेक करेंगे बाद में, पहले इसको चला के देख लेते हैं। सटीक फॉल्ट पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा चेक करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ये बैठ गया और हमने इसको ऑन किया और इसमें से दोस्तों सेंसिंग की आवाज़ आने लगी। अब वो बीप जो आ रही थी वो बंद हो गई है मेरे हिसाब से, इसको हटा देते हैं। देखिए धुआं उठने लगा तो ये काम करने लगा। इसको हटाएंगे तो बीप की आवाज़ आने लगी। ये देखिए अब बीप की आवाज़ आने लगी और पोर्ट रखने के बाद वो आवाज़ बंद हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा पोर्ट सेंस कर लिया। देखिए आवाज़ आ गई, पोर्ट सेंस कर लिया। इसको हम बढ़ा देते हैं। फास्ट कर देते हैं तो ये देखिए ये सेंस करने लगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि कई दोस्तों के मेरे कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें नो सेंसिंग का प्रॉब्लम आता है तो इसमें क्या करें। सो फ्रेंड ये नो सेंसिंग में देखा आपने 18 वोल्ट का जीनर ख़राब निकला और हमारे जो 80-50 ट्रांजिस्टर होते हैं वो भी ख़राब निकलते हैं। तो और 18 वोल्ट अगर हमारी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं 80-50 वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो भी हमारा ये नो सेंसिंग का फॉल्ट आता है। और IGBT का गेट ओपन रहेगा तो भी हमारा नो सेंसिंग का फॉल्ट आता है। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में कि एक जीनर के माध्यम से हमारा नो सेंसिंग का प्रॉब्लम दूर हुआ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगी ज़्यादातर अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।